धर्मपाल को भी आप सुन रहे थे, वो भी समर्थन का ऐलान कर रहे हैं। पांच विधायक निर्दलीय जो कि कैमरे पर आकर ये कह चुके हैं कि वो समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का, खट्टर को, मनोहर लाल खट्टर को सरकार बनाने में वो मदद करेंगे। थोड़ी देर पहले नीलो खेड़ी से जीते धर्मपाल गोंदर, पृथला से जीते नयन पाल रावत, चरखी दादरी से जीते सोमवीर सांगवान ने समर्थन का ऐलान किया। इससे पहले निर्दलीय रणजीत चौटाला और गोपाल कांडा ने भी बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर दिया था। तो हमारे साथ देवेंद्र पराशर बने हुए हैं। देवेंद्र, बीजेपी के 40 और ये पांच जो कैमरे पर ऐलान कर चुके हैं, 45 तो यही हो गए, और इसका इसके साथ सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर जेजेपी कहीं से भी मन बना ले कांग्रेस के साथ जाने का, तो भी कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, हो ही नहीं सकता वो। जी हाँ, निश्चित तौर पर सुशांत, और ये कल ये तस्वीर साफ हो गई थी कि जो किंग मेकर की बात कही जा रही है, वो किंग मेकर जो असली चाबी है बेसिकली वो निर्दलीय के पास है। बिना निर्दलीय के किसी भी पक्ष का की सरकार बनती नहीं दिख रही थी, और उस लिहाज से तभी जब शाम में 4 बजे के आसपास बीजेपी की जब बातचीत पूरी हुई इन विधायकों के साथ, तब ये तय हो गया था कि ये निर्दलीय विधायक ही अगली सरकार बनाने जा रहे हैं, और वो सरकार मनोहर लाल खट्टर की होगी, मनोहर लाल खट्टर ही अगले मुख्यमंत्री हो गए। ये सारी उसका सार्वजनिक प्रदर्शन आप कह सकते हैं कि ये हो रहा है, क्योंकि ये नेता भी चाहते थे कि बीजेपी सामने आके ये सारी बातचीत हो। तो जो बातचीत पहले बैक वो कल देर रात दिल्ली पहुंचे, पहुंचने के बाद एक एक करके उन विधायकों का बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। कल 1:30 बजे रात के बाद लगभग सारी मुलाकात हो गई थी। आज जो किया जा रहा है एक औपचारिकता है, और इसमें ये देवेंद्र आपके से संपर्क करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, सिग्नल छूट रहा है, हम दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने के लिए आश्वस्त दिख रही है। हमारे साथ भास्कर मिश्रा भी हमारे सहयोगी जुड़ गए। भास्कर, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, अभी से कुछ देर पहले मीटिंग यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर की खत्म हो गई। जो इंडिपेंडेंट लोग थे, जो इंडिपेंडेंट MLAs हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग थी, और उसके बाद पूरी तरह से आश्वस्त हैं। ऑफ कैमरा बीजेपी के कई बड़े लीडर्स ने बताया कि बात हो गई है, सब कुछ हो गया है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। निश्चित रूप से जो आप कह रहे थे अभी से कुछ देर पहले कि आश्वस्त है बीजेपी, वो दिख रहा है। तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो कल से ही कोशिश कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात जो एक प्लस पॉइंट बीजेपी के लिए है, वो इंडिपेंडेंट MLAs जो हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं पहले से ही, वो टिकट मांग रहे थे। अधिकांश लोग ऐसे हैं, मेरी अभी बात हुई है धर्मपाल, जो नीलू खेड़ा से विधायक चुने गए हैं, वो कह रहे हैं मैं तो पहले से ही बीजेपी में था और बिना शर्त में बीजेपी को समर्थन दे रहा हूँ। तो इस तरह से तमाम विधायक पहले से ही लाइनअप हैं, और सबसे बड़ी बात है ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिसको अलग से कोशिश करके शामिल करने के लिए या सरकार में साथ लाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती। तो अब महज औपचारिकता बची हुई है, लास्ट एक रूपरेखा तैयार हो रही होगी कि आखिर किस तरह से किस समझौते के साथ आगे बढ़ना है। भास्कर, आपके पास भी यही जानकारी है कि तमाम निर्दलीय इस वक्त बीजेपी को समर्थन देने जा रहे हैं, और बीजेपी के पास इन निर्दलियों की मदद से ही बहुमत का आंकड़ा हासिल हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। ये स्थिति उभर कर सामने आ रही है। पांच निर्दलियों ने तो कैमरे के सामने समर्थन का ऐलान कर दिया है। ऐसे में जेजेपी की भी एक अहम बैठक दिल्ली में चल रही है विधायक दल की, वहां दुष्यंत चौटाला भी मौजूद है। वहां उस बैठक में क्या चल रहा है, वहां से अपडेट के लिए हमारी सहयोगी दीक्षा के पास चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।